हेलो दोस्तों, मार्टेल मैकेनिकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो गाइस हमारी चैनल पे आप जो नए तो हमारी चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को टच करना, क्योंकि आने वाला वीडियो को आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस देखिए, ये है स्प्लेंडर प्लस BS6 वाली वेरिएंट। तो गाइस देखिए, आज का इस वीडियो में इस गाड़ी में यही दिक्कत आई है, जब रेस एक्सीलेटर छोड़ने के बाद बार बार गाड़ी बंद हो जाती है। तो गाइस देखिए, इसमें दिक्कत क्या है। तो गाइस देखिए, मैं लाइव आपको दिखाने वाला, वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं उसकी, जो गाड़ी सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ और बंद हो जाती है। तो गाइस देखिए, आपने देख लिया, और फिर से मैं एक बार भी स्टार्ट करके आपके सामने दिखा देता हूँ। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी, अब गाड़ी बंद हो जाएगी। तो बार बार उसका बंद होने का कारण ये कि है, उसका RPM का सेटिंग करना, यानी कि उसका रेस कम हो रहा है। तो उसका रेस कहाँ से ज़्यादा करे, वो इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, यूट्यूब में ये वीडियो चल रहा है कि इस स्क्रू के जरिए से माइलेज सेटिंग होगा। तो गाइस देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, फेक वीडियो है। तो देखिए, इस स्क्रू के जरिए से सिर्फ RPM सेटिंग होता है, और आपकी गाड़ी जो बंद हो जाती है और रेस ज़्यादा हो जाता है, तो इस स्क्रू के जरिए से आप उसका RPM या रेस सेट कर सकते हैं। उसमें माइलेज कोई सेट नहीं होती, वो गलत है। तो देखिए, उस स्क्रू को जब नीचे की तरफ घुमाओगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, और ऊपर की तरफ घुमाओगे तो रेस ज़्यादा होगा। तो गाइस देखिए, इस RPM स्क्रू के जरिए से आपकी गाड़ी का रेस ये सेट कर सकते हैं, बट आपकी गाड़ी में ये माइलेज सेटिंग इस स्क्रू के जरिए से नहीं होगी। तो काफ़ी सारे लोग यूट्यूब में ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि उसका सारा वीडियो में व्यू बढ़ाने के लिए लोग सब ट्रिक अजमाते हैं। तो देखिए, इस स्क्रू के जरिए से आपकी गाड़ी में कोई माइलेज का सेटिंग नहीं होगा, वो गलत बात है और ये फेक वीडियो है। तो गाइस देखिए, फेक वीडियो सारे वायरल करते हुए, सही वीडियो है इसमें कोई वायरल नहीं होता, क्योंकि सही देखिए, मैं आप जो दिखा रहा हूँ, इस स्क्रू के जरिए से आप अपनी गाड़ी में RPM सेट कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके सारा RPM सेट हो चुका है, अब गाड़ी बंद नहीं होगी, आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, उसका रेस मैंने सेटिंग कर दिया है। तो गाइस देखिए, इस स्क्रू के जरिए से मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ से उसका रेस सेटिंग हो सकता है, माइलेज सेटिंग नहीं हो सकती, वो मैंने आपको दूसरी बार भी बता दी है। तो देखिए, ये वाला स्क्रू है, यहाँ से जब नीचे की तरफ घुमाओ तो आपकी गाड़ी में नीचे की तरफ स्क्रू घुमाओगे, गाड़ी बंद हो जाएगी, और ऊपर की तरफ ये स्क्रू घुमाओगे तो रेस ज़्यादा होगा। तो भाई देखिए, सारा रेस कंट्रोल यहाँ से आप खुद कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ऐसे सारे टू व्हीलर के लगते रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे।